सो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ और बेसिकली आज का वीडियो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है अली सोलंकी के साथ। अली जो है वो मेरे ही फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, हम दोनों केजे सोमय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अली जो है उनका 12 के सब्सक्राइबर्स के साथ वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। विद दैट वो कॉइन डी सी एक्स के साथ उन्होंने अभी जस्ट रिसेंट में काम किया है। विद दैट अली जो है उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्रिप्टो को लेके, सारी चीज़ों को लेके, और वो ब्लॉकचेन डेवलपर है जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ये इंडस्ट्री में कमा रहे हैं एज अ फ्रीलांसर कह सकते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। आप सीखोगे कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में घुसना कैसे है, विद दैट कैसे उन्होंने यूट्यूब पर 12 के सब्सक्राइबर्स को रीच किया है, उसके साथ उन्होंने शेयर किया है कि NFTs क्या होती है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हमने शेयर किया है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप कोई बिगिनर और आप शुरू करना चाहते हो आपके ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जर्नी, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। विद दैट चलो शुरू करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, सो दैट YouTube बाबा को लगे कि हम भी कंटेंट बनाते हैं। तो चलो बिना देरी के सीधा शुरू करते हैं। सो हे गाइज, आज हमारे साथ है अली सोलंकी। एंड बेसिकली अली जो है वो मेरे ही कॉलेज से पढ़ते हैं। आप लोग जो कम्युनिटी है अली की, एज अली की तो कम्युनिटी अली को ज़रूर जानती होगी। विद दैट हमारी कम्युनिटी से जो नए लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अली जो है वो मेरे ही फ्रेंड है, मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट है और बहुत बड़े लेवल पर उखाड़ रहे हैं अभी के डेट में। तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल पर हम इसको बनाएंगे और बेसिकली आज हम अली के एक्सपीरियंसेस जानेंगे। अली खुद तो इंट्रोडक्शन देगा ही देगा खुद का। हम शुरू करेंगे ये कंप्लीट वीडियो को। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इमेंस लेवल ऑफ वैल्यू जो है वो मिलने वाला है। तो अगर ये वैल्यू को आप सही में सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप बुक पेन लेके बैठ सकते हो। जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप ये पूरे कन्वर्सेशन से आप नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आपके लाइफ में अगर आपको कभी भी हेल्प लगी या फिर आपको कभी लगा कि मुझे हेल्प चाहिए या फिर आपको कभी कुछ यूज़ करना है तो आप वो पॉइंट्स को आसानी से देख पाओगे। तो इट्स जस्ट रिकमेंडेशन। सो विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अली, ये हमारा एज अ इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, फिर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको वैल्यू अभी हम देंगे, ज़रूर देंगे। बहुत नॉलेज है अली के पास, ट्राई करेंगे कि कंप्लीट जो है वो बाहर तो निकाल नहीं पाएंगे बट ट्राई करेंगे कि बेस्ट नॉलेज जो बाहर निकाल पाए। सो अली लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। यार तुमने तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा। एंड आई थिंक तो बेसिकली आई एम अ यूट्यूबर और मैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज पे कंटेंट बनाता हूँ, इंजीनियरिंग पे भी कंटेंट बनाता हूँ। आई मेक कंटेंट ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एक्चुअली। तो आयुष, जैसे तुमने बोला वी आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज KJSE। या सो या ग्रेट टू हैव बी ऑन द पॉडकास्ट एंड लेट्स गो अहेड। यस 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 डेफिनेटली। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा मेरा भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अगर कोई नए लोग है यहाँ पर। तो हाय गाइस, आई एम आयुष पंचमिया और मैं करेंटली, जैसे अली ने बताया कि हम दोनों KJ सोमय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते और बेसिकली हम दोनों जो है वो जस्ट अभी रिसेंट में आए थे और हम दोनों लगभग सेम नीच का कॉन्टेंट क्रिप्टो करेंसी बनाता है अली एक्स्ट्रा, बाकी तो हम दोनों काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। आज वही चीज़ को लेके भी हम बात करें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो डरना नहीं, बिकॉज अली जो है वो भी ब्लॉकचेन में है, और अगर कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है तो वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन हर फील्ड का बच्चा यहाँ से ले पाएगा। तो अली शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यार जस्ट मैं, अगर पता होगा अगर कोई भी अली का जाकर देखेगा तो अली के अभी क्या आई थिंक 12.2K सब्सक्राइबर्स है। अगर जब तक देख रहे होगे बाकी लोग तो आई थिंक बढ़ गए होंगे, तब तक आई होप कि जल्दी बढ़ जाए। तो मैं अली जानना चाहता हूँ कि जर्नी क्या रही है लाइक 300 सब्सक्राइबर्स, बिकॉज पर्सनली मैं भी यूट्यूब पे करता हूँ, मुझे पता है कि 300 सब्स से तो जो 1000 सब्स का जो एक वो टाइम होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी स्लो जाता है वो। कुछ लोगों का फास्ट हो जाता है बट बहुत मोस्ट ऑफ द लोगों का स्लो जाता है वो पीरियड। सो व्हाट्स योर जर्नी लाइक, तेरा जर्नी कैसा रहा एंड एज अ पर्सन टू अभी राइट नाउ कितने सब्सक्राइबर्स पर, लाइक कंप्लीट जर्नी यूट्यूब की किस तरीके से शुरू किया था एंड एवरी दैट।
तो यार मैं 300 से नहीं चालू करता हूँ, मैं 0 से चालू करता हूँ, क्योंकि आई थिंक चलो बहुत या लोगों को वहाँ से स्टार्ट करना वुड बी रियली डिफिकल्ट। तो यस पहली डेफिनेटली बात तो, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, अगर खुद को कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालना है, पहले तो ये दिमाग से हटा दो कि भाई नंबर्स देखना है। नंबर्स यस वेरी छोड़ दो, इम्पोर्टेंट एनालिटिक्स छोड़ दो, यूट्यूब स्टूडियो छोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूँ अभी कि जस्ट फोकस ऑन कंटेंट, एटलीस्ट 100 वीडियोस डालो, उसके बाद देखो कि भाई कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या ऑडियंस बोल रहा है, या ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में एंगेज करते रहो, सी वॉट अदर पीपल आर रिकमेंडिंग, क्या वो लोग बोल रहे हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं आपके वीडियोज़ में, वो सब चेंजेस लाओ और टॉपिक्स कवर करो। वहाँ से ही कंटेंट आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। मेरे पास एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मेरे पास सिर्फ आई थिंक 5 वीडियोस का कंटेंट आइडिया रह गया, कि मैंने सोचा था कि ये 5 वीडियो करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या होता है एंड देखते हैं। मेनली मेरा था कि 5 वीडियोस डालूंगा, इसमें एटलीस्ट बिल्कुल मुझे 20 सब्सक्राइबर्स चाहिए 5 वीडियोस में, ठीक है। एंड जब मैंने बिल्कुल वो वीडियोस डाला, बिल्कुल ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया था, स्पेशली इंस्टाग्राम, देन माई फैमिली, सब जगह पे मैंने बोल दिया था कि आई विल बी परस्यूइंग दिस सीरियसली। पहले तो ये चीज़ पे सीरियसली फोकस करना है, लोगों को पता रहना चाहिए कि ये बंदा सीरियस है, तो ही वो सब्सक्राइब करेंगे। तो ये मेन चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी। दूसरी बहुत बात है कि इम्पोर्टेंट बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट बिल्कुल जी, 0 to 300 सब्सक्राइबर्स और 400 तक भी ले लो, वो लोग जितने भी लोग रहेंगे ना, वो सब तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, या तो तुम्हारे फ्रेंड्स क्लोज सर्कल, या तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जो तुम्हें बिल्कुल जानते हैं, हाँ जानते हैं रियल लाइफ में, जानते देखा हैं है एटलीस्ट बिल्कुल एक बार, वो रहेंगे। एक आध दो लोग ऐसे निकलेंगे जो आपको नहीं जानते रहेंगे, जो यूट्यूब से आपको फॉलो किए रहेंगे, समझ लो सर्च रिजल्ट्स में आ गए या ब्राउज में आ गए, वहाँ से आपको फॉलो कर लिए। वो हो गया 0 to 300 का माइलस्टोन। और वो अचीव करने के लिए आपको बस एक चीज़ करनी है, लोगों को दिखाना है आप सीरियस हो, आप कंटेंट के बारे में सीरियस हो, आप कंसिस्टेंट हो। ये सब चीज़ें अगर आपके चैनल पर है, वो देख रहे हैं हर वीक ये बंदा अपलोड कर रहा है, यार ये क्या अपलोड कर रहा है, ये इतना सीरियस किस बात पे है, ये बंदा आगे जाके बहुत बड़ा सब्सक्राइब आई मीन यूट्यूबर बनने वाला है, इसको पहले ही सब्सक्राइब करके रख देते हैं, देखते क्या कैसे वो बढ़ता है आगे। तो ये सब चीज़ें करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी 300 से हम लोग 1000 का जर्नी में बात करता हूँ, तो 300 से 1000 में अभी आपको देखना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या बोल रहा है, व्हाट आर दे सेइंग, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। वहाँ पे यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि अच्छा ये एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा कर सकता हूँ, समझ लो मेरा ऑडियो अच्छे से नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। या तो मैंने एक चीज़ जो सीखी, वो भी ऑडियंस से ही सीखी थी एक्चुअली, कि लाइटिंग मेरी बहुत ख़राब होती थी, मैं बेडरूम में रिकॉर्ड करता था। वो बहुत अच्छी बात है बाय द वे, बिल्कुल इफ़ पीपल, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, मेक श्योर आपके आजू बाजू फर्नीचर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एको बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये स्टार्टिंग में बेडरूम में रिकॉर्ड स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर क्या होता था कि बेड्स होते थे, कुशंस होते थे, तो वहाँ पे एको नहीं होता था, तो वो ऑडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गई थी, वो मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था। तो वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, वीडियो क्वालिटी पे स्टार्टिंग में इतना फोकस मत करो, ऑडियो पे फोकस करो, कंटेंट पे फोकस करो, क्या बोल रहे हो वो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस एंगेजिंग कंटेंट बनाओ। एंगेजिंग कैसे होता है, अभी समझो मुझे बोलना है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स है कि MCQ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। वो बहुत बिल्कुल वायरल चले गया था वैसे उस हाँ पर, तो अच्छा उसमें भी मैं कैसे टिप्स डालूँगा, मैं टिप्स डालूँगा, मैं पहले बोलूँगा कि अगर समझो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर है, MCQ में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा करेक्ट होता है। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर इट एज वेल, उसका एक एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। तो मेनली मेरे लिए क्या वर्क किया है, इज़ नॉट टेलिंग, बात करने से ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलता है, यू हैव टू शो देम, आपको बताना पड़ेगा कि क्या बात कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दैट्स द जर्नी टिल 1000, एंड फिर 1000 से जो आपकी स्टार्ट होगी, जो जर्नी स्टार्ट होगी, दैट्स रियली कंफर्टेबल एंड दैट्स समथिंग दैट यू वुड बी मोटिवेटेड टू डू. आप कहीं भी जा रहे हो, पीपल वुड बी लाइक, हाँ ये बंदा ना यूट्यूबर है, ये बंदा ये चीज़ करता है, क्योंकि ये बंदा अभी सीरियस हो गया है. डेफिनेटली 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गया है, मतलब ये बंदा सीरियस है ये चीज़ के लिए. कंसिस्टेंटली भाई इतने टाइम से पोस्ट कर रहा है, इतने टाइम से कंटेंट बना रहा है, इम्प्रूव किए जा रहा है, कमेंट सेक्शन में वो एंगेज कर रहा है, इसका मतलब ये सीरियस है ये चीज़ पे. तो इसने ये चीज़ को ले लिया है, मतलब अडॉप्ट कर लिया है. तो फिर वहाँ से जो जर्नी होती है वो फिर ऑडियंस ही मोटिवेट करती है कि अली भाई नेक्स्ट वीक का क्या अपलोड करने वाले हो, अली भाई नेक्स्ट वीक यस ना इस पे कंटेंट बनाओ, कैट एग्जाम पे कंटेंट बनाओ, या इस पे कंटेंट बनाओ, यू नो क्रिप्टो करेंसी पे बैन होने वाला है नहीं होने वाला है उस पे कंटेंट बनाओ. बिल्कुल तो ये सब बराबर चीज़ें फिर अपने आप ऑडियंस बोलेगी. तो वो चीज़ मैंने देखी कि अभी तक की जो जर्नी है 1000 से 12000 की जर्नी बहुत कंफर्टेबल गई है. 1000 तक थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा डीमोटिवेशन भी फील होता है कि आप 4 4 घंटे 5 5 घंटे एक वीडियो के लिए डाल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 व्यूज़ आते हैं, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट होता है. अभी जैसे मैं देखता हूँ कि वेर आईव कम फ्रॉम, अभी भी लगता है कि अभी इवन इफ़ आई गेट लाइक 1000 2000 व्यूज़ ऑन अ वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले वाले वीडियो पे तो 10,000 व्यूज़ आए थे, 20,000 व्यूज़ आए थे, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो लगता है यार कुछ कमी हो गई. बट देन फिर वो सोचने का कि कहाँ से आए थे हम, जब हम वन एक एक सब्सक्राइबर के लिए हम मरते थे, आज दिन में 100 200 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, तो वो एक अलग मोटिवेशन हो बराबर जाता है. तो वो एक चीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. एंड ये जो चीज़ है मैं इससे खुद रिलेट कर पाया हूँ, बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ. एंड बेसिकली मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैंने मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा मैंने डिमोटिवेट हो गया था, मेरे को लगा कि नहीं यार ये यूट्यूब अपने लिए काफ़ी मुश्किल जा रहा है, तो मैंने इंस्टाग्राम रील्स ट्राई करके देखा. कंटेंट क्रिएशन करना था, आई नो कि कंटेंट क्रिएशन करना है, मैं सोचा चलो यूट्यूब को फिलहाल अभी साइड में रखते हैं, एक बार इंस्टाग्राम की रील्स ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे थे. मैं सोचा चलो ये करके देखते हैं. एंड मुझे वहाँ पर रील्स क्रिएट मैंने अराउंड कम से कम 200 से आसपास, 300 से आसपास मैंने अराउंड 1 से 3 2 2.5 महीने के अंदर मैंने रील्स बना दिए. एंड मुझे वहाँ समझ में आया कि मेरा जो कंटेंट है वो सही में यूट्यूब के लिए, बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म कंटेंट है. मैं ऐसा 30 सेकेंड में 60 सेकेंड्स में मैं काफ़ी कम जनरेट कर पाता हूँ कॉन्टेंट. एंड फिर मैंने फिर से सीरियसली लेना चालू किया, तो नाउ मैंने अराउंड 50 60 65 के अराउंड मैंने वीडियोज़ अपलोड किए. अब ऐसा एंगेजमेंट आता है कि स्टूडेंट्स का कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे खुद स्टूडेंट सामने से मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब लोग ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी. तो मुझे पता है कि लोग सामने से मैसेज करने लग गए, लोग कॉल करने लग गए कि आयुष भाई आपने ये हॉस्टल का वीडियो जस्ट डाला है, मुझे ये क्वेश्चन था ये समझ में नहीं आया. तो मैं कहता हूँ तू कमेंट कर, मैं वहाँ पर जाकर और रिप्लाई करता हूँ, कॉल पर तो करता हूँ यहाँ भी कमेंट करता हूँ, इसलिए किसी और को वो क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा. तब सही में आकर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार देखो भले किसको पसंद आए, लेकिन एक बंदे को तो पसंद आया, चलो उसके लिए बनाते हैं कॉन्टेंट. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई भी अगर यहाँ पर है तो तुम लोग कर सकते हो. बहुत सही पॉइंट यहाँ पर अली ने बताया. अब अली से ना एक चीज़ जानते हैं यार, क्रिप्टो करेंसी को लेकर. हमारा मेन टॉपिक जो क्रिप्टो करेंसी है स्टूडेंट्स के लिए, तो बेसिकली अली जस्ट अभी न्यूज़ आया है, मुझे पता चला है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या बेसिक क्या है. तो ये तो वीडियोज़ ये वीडियो जो है वो काफ़ी बाद स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, अराउंड 2 5 डेज़ के बाद, तब तक तो काफ़ी फैल चुका होगा ये न्यूज़. तो लाइक बेसिकली न्यूज़ क्या है, क्या सही में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया? और अगर बैन होगा तो बता, मैं अभी पैसे निकालता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सिंपलर टर्म्स में डिफाइन करता हूँ. पहली बात एक पॉइंट में रखना चाहता हूँ, क्रिप्टो कैन नॉट बी स्टॉप. इस पे कोट भी कर सकते हो आप मुझे, आप ये वीडियो 10 दिन बाद देखो 100 दिन बिल्कुल बाद देखो, क्रिप्टो कैन नॉट बी स्टॉप. अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. जैसे अगर आप टॉरेंट्स यूज़ करते हो, तो टॉरेंट्स में कैसा है कि आप वो फाइल्स डाउनलोड करते हो, राइट? तो वो जो फाइल्स है वो इवन दो एक कंट्री में बैन हो दूसरे कंट्री में बैन हो, वो फाइल्स ऑटोमेटिकली रहती है. नाउ देर इज़ अ पूरा सिस्टम बिहाइंड इट कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे इवन इफ़ द कंट्री बैन्स इट, इवन इफ़ द कंट्री बैन्स अ सर्वर,
वो कैसे रन करता है, क्यों यू नो यू कैन इवन दो एक्सेस इट, वो सब अलग स्टोरी है. वी कैन डाइव डीप इनटू इट आफ्टरवर्ड्स, मे बी नॉट इन दिस पॉडकास्ट. बट मेजर चीज़ यही टेक अवे है कि क्रिप्टो कैन नॉट बी स्टॉप्ड. दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो बिल बनाया जा रहा है, इट्स नॉट टू बैन क्रिप्टो करेंसीज, इट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज. नाउ रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? अभी समझो आप कोई वजीर एक्स पे अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट बना रहे हो, आपका केवाईसी नहीं हो रहा है, तो केवाईसी करवाना. देन एक्चुअली अगर ये बैन हो रहा रहता, तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, आगे भी लोगों ने लोग पढ़ेंगे ये न्यूज़ को, तो उसमें एक स्पेसिफिक टर्म लिखा हुआ है कि आरबीआई इज़ ऑल्सो गोइंग टू इश्यू देयर ओन डिजिटल टोकन, देयर ओन डिजिटल रुपी. तो अगर उनको क्रिप्टो करेंसी बैन करना ही होता, तो फिर वो डिजिटल रुपी क्यों बनाते? ये मेन चीज़ मेरा क्वेश्चन रहेगा सबके लिए. तो बैन तो देखो, और बिल्कुल बिल्कुल अपनी एक और चीज़ मैं रखना चाहता हूँ, दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट फॉर दिस. एक क्विक गूगल सर्च कर दो, ये वीडियो को पॉज करना, गूगल पे जाओ, ये सर्च करो, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ चाइना बैंड क्रिप्टो करेंसी. ये सर्च करोगे ना, आपको अराउंड, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट अराउंड 18 टाइम्स क्रिप्टो करेंसी बैन हुआ है चाइना में, ठीक है, 18 टाइम्स बैन हुआ है. तो मतलब बाप रे। वो कंट्री में क्रिप्टो करेंसी तो फिर ट्रेडिंग होती नहीं रहेगी, बहुत कम लोग यूज़ करते रहेंगे. बट लेट मी टेल यू, इट्स वन ऑफ द टॉप कंट्रीज वेयर क्रिप्टो करेंसी इज़ बीइंग यूज्ड. तो ये कैसे हो रहा है? मतलब एक कंट्री जहाँ पर 18 टाइम्स बैन लगा गया है, फिर भी वो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज यूज़ हो रही है, वहाँ पे इनोवेशन हो रहा है, वहाँ पे यू नो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब वहाँ से आ रहे हैं. तो ये चीज़ें कैसे हो रही बिल्कुल है, बिल्कुल राइट? तो वही मैं वापस से मेरे फर्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इवन दो इट्स बैंड, इवन दो इट्स रेगुलेटेड. और रेगुलेशन आ भी गया ना, तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा. द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर आर गुड ओनली. अभी हमने इतना सारा पैसा समझो क्रिप्टो में डाल के रखा है, तो गवर्नमेंट विल नेवर थिंक दिस वे कि भाई इसका पैसा डूब बिल्कुल जाएगा, क्रिप्टो बैन ही कर दो पूरा का पूरा. तो बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है. इफ़ यू सी इन इंडिया इट्सेल्फ, इंडिया में इतने सारे लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है. यू माइट हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो एज वेल, राइट? आपने भी किया रहेगा. डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन तो सबने मतलब डाल के रखा ही है, बिकॉज दे नो कि क्रिप्टो भाई फ्यूचर है, इट कैन नॉट बी स्टॉप. तो इवन इफ गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कम अप विथ समथिंग, दे विल कम अप विथ अ रेगुलेशन. रेगुलेशन के साथ आएगी, दे वोंट कम अप विथ अ बैन, अ कंप्लीट बैन फॉर ऑल क्रिप्टो करेंसीज. दैट्स माई टू सेंस. आगे जाके भी आप, ये तो वीडियो वैसे भी बाद बिल्कुल में ही देखने बिल्कुल वाले हो आप, तो आप तो देख ही रहोगे कि क्या बिल्कुल हो रहा है न्यूज़ में, क्या क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सही में बैन हुई कि नहीं हुई. तो आप कमेंट में बता देना. बिल्कुल और यस, ये चीज़ जो है ये बहुत सही जो है वो अली ने बताई है, और ये चीज़ को लेके ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, फटाफट फटाफट पैसा मत निकालो नहीं तो मेरा तो ऐसा था कि अली अगर बोलेगा कि नहीं बैन हो गया है अभी के अभी वहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, अली रुक जा बाद में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते, पहले वैसे निकाल लेते तो कोई डरने का बात नहीं है। तो गाइज अब हम आगे चलते हैं, अली के और एक्सपीरियंसेस हमको जानने हैं, और अली को हम और क्या, अली किस तरीके से ब्लॉकचेन में आया है. मैं बेसिकली, अली मेरे लिए तो ये लाइव इसलिए, सॉरी ये जो पॉडकास्ट हम कह सकते हैं, फिर ये जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं पर्सनली यार ना, मैं खुद ब्लॉकचेन जो है वो सीखना चाहता हूँ. मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग, मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा अगर आप लोग देखोगे तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी मैंने अराउंड 8 से 9 वीडियो की सीरीज चलाई थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तब मैंने बहुत सारा पढ़ा था. एंड आई वाज लाइक कि नहीं, किसी ना किसी दिन मैं खुद पर्सनली क्रिप्टो सीखना चाहता हूँ कि बनाते कैसे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे कोडिंग की जाती है. तो बेसिकली यार मैं ना यही चीज जो है ये सीखना चाहता हूँ, ठीक है ना? अगर अब हम सीखते हैं कि मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, ठीक है, मेरे को सीखनी है कोडिंग, मेरे को सीखना है कि ब्लॉकचेन कोडिंग होता कैसे. तो लाइक मेरे को ना यही समझ में नहीं आ रहा है इतने दिन से कि मैं शुरू कहाँ से करूँ. मेरे को कुछ, मेरे को कुछ लोग ये कह रहे थे गूगल का फ्री पाइथन का कोर्स ले, फिर पाइथन के आगे ब्लॉकचेन होगा. मैं कहा ठीक है,
लेकिन वो शुरू ही नहीं कर। मैं सोच रहा हूँ कि सही वे कौन सा, और लाइक हाउ डू यू स्टार्ट योर जर्नी, लाइक किस तरीके से तूने स्टार्ट किया एज अ 19 ईयर ओल्ड। आई थिंक तेरे चैनल में मैंने कहीं सुना है कि तू 19 ईयर ओल्ड जब तू था तब तूने शुरू किया था ब्लॉकचेन पढ़ना, ब्लॉकचेन कोडिंग करना। सो बेसिकली लाइक किस तरीके से कोई स्टूडेंट जो है वो शुरू कर सकता है अगर वो कोई भी ब्रांच से हो? इस पे एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोग का क्वेश्चन आया था ये, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग ब्लॉकचेन कंटेंट तभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार एक रोड मैप बता, मतलब ये तो ठीक है तू बना रहा है तू ये सब कर रहा है तो एक रोड मैप बना। तो अभी उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक डिटेल पे वीडियो बनाया था कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। बट मैं ब्रीफ में यहाँ पे एक समराइज़ कर देता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए ना देखो, जैसे एक बंदे ने आपको बोला कि पाइथन से स्टार्ट कर, मैं बोलूँगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना लेके एटलीस्ट स्टार्ट करो, ठीक है? तो क्या होता है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे रहते हो तो आपको एक लॉजिक आ जाता है, लॉजिक बिल्ड होता है। नाउ स्पेसिफिकली अगर आप जावास्क्रिप्ट से चालू कर रहे हो तो वो थोड़ा हेल्प करता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, क्योंकि उसके सिमिलर में एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं सॉलिडिटी। नाउ सॉलिडिटी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है बट देन थोड़ा डिफिकल्ट होगा लोगों के लिए टू लर्न सॉलिडिटी फ्रॉम स्क्रैच। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट से चालू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जाके दे टर्न टू सॉलिडिटी। और फिर सॉलिडिटी एक बार सीख लिया ना तो भाई चार चांद है तुम्हारी, क्योंकि ये सॉलिडिटी, हाँ सॉलिडिटी आपका इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए काम आता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कोई भी कोड। अब ये कोड हो गया अपने NFTs, अपने ये क्रिप्टो करेंसीज, कुछ भी डिप्लॉय करना है सॉलिडिटी यूज़ होता है। तो लेकिन ये इथेरियम के लिए, ठीक है? इथेरियम के लिए। बाकी दूसरे ब्लॉकचेन्स के अपने खुद के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पर वो तुम बाद में सीख सकते हो एक बार सॉलिडिटी सीख लिया तो। तो मैं तो मेन यही बोलता हूँ सबको, पहले जावास्क्रिप्ट सीखो, सॉलिडिटी सीखो। और दूसरी चीज़, अगर आप कोर ब्लॉकचेन में नहीं जाना चाहते, इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ कोर ब्लॉकचेन डेवलपर, के दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक होता है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर जो अपना ब्लॉकचेन डेवलप करता है, मतलब पूरा जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, जैसे इथेरियम है तो इथेरियम पूरा वो बनाएगा स्टार्ट टू एंड, ठीक है? दूसरा होता है ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर। अब ये ऐप का जो सिग्निफिकेंस है वो है कि वो पहले से बना हुआ ब्लॉकचेन के ऊपर एक दूसरा ऐप बनाता है। अभी समझो आपके कोई क्रिप्टो करेंसी बना रहे हो तो क्रिप्टो करेंसी में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉइन और एक होता है टोकन। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता पर टोकन क्या होता है वो दूसरे ब्लॉकचेन पे बना हुआ होता है, कॉइन क्या होता है वो उसका खुद का एक ब्लॉकचेन होता है। तो अभी इसमें भी अगर आपको ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट में नहीं जाना है जो बहुत टफ है एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट राइट फ्रॉम स्टार्ट, तो अगर आपको ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो उसमें पहले मैं रेकमेंड करूँगा कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीख लो। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मतलब कुछ भी चीज़ जो आप यूज़र को दिखाते हो, जैसे वेबसाइट में हो गया अपना रिएक्ट, रिएक्ट का अगर आप वेबसाइट्स बनाते हो, या तो HTML, CSS, JavaScript, वो सब चीज़ें। फिर अपना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी अगर आपको जाना है तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आपका फ्लटर हो गया, फ्लटर बहुत अच्छा काम करता है, रिएक्ट नेटिव हो गया। तो ये सब बस मैं टेक्नोलॉजीज अभी आपको थ्रू आउट कर रहा हूँ ताकि आप बाद में सर्च कर पाओ ये सब टर्म्स को। अभी आप लिख लो ये टर्म्स एंड देन सर्च इट अप एंड पुट एन एंटायर कोर्स, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि भाई रिएक्ट फुल कोर्स स्टार्ट टू फिनिश, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, आपको ऐसे 3-4 घंटे के कोर्सेज मिलेंगे जो आपको पूरा सिखाएंगे रिएक्ट के बारे में। तो इसमें आपको कुछ स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं, फ्री में कोर्सेज पड़े हैं यूट्यूब पे, आप बस सर्च करो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक बार फ्रंट एंड सीख लिया, उसके बाद तो अपना आप माहिर हो जाओगे सॉलिडिटी में भी। तो सॉलिडिटी के बाद क्या होता है, सॉलिडिटी से आप क्या बनाओगे, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे जो ब्लॉकचेन पे जाएगा। अब ये ब्लॉकचेन का कोड और ये आपका फ्रंट एंड, मतलब आपका वेबसाइट या आपका मोबाइल ऐप, इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो कनेक्शन के लिए एक पैकेज है, उसको बोलते हैं वेब थ्री।
तो वो वेब थ्री का पैकेज सीखना पड़ेगा। अब मैंने बस यहाँ पे कुछ डिटेल में बताया नहीं है, मैंने बस आपको टर्म्स बता दिए। आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो बिल्कुल जाओगे आप, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सी चीज़, पहले एक काम करो, ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप सर्च करो यूट्यूब पे, मेरा खुद का वीडियो बना हुआ है, वो देख लो। यस दूसरी बात, बढ़िया दूसरी बात, जितने भी टेक्नोलॉजीज मैंने अभी बोले हैं ये वीडियो में, सबको एक एक बार सर्च करो और एटलीस्ट उनका समरी देखो कि भाई वो चीज़ है क्या। अगर आपको पता नहीं है तो वो चीज़ है क्या, पहले वो देख लो। तो ये पूरा एक मतलब रफ आइडिया हो गया कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लॉकचेन को लेके जैसा अभी बात किया अली ने, अली के आप चैनल पे जा सकते हो और जाके जितना कंटेंट कंज्यूम करना है कर लो। हम भी अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे कंज्यूम करने का, जितना समझता है उतना। बट मैंने ना यार अली, मैंने ना बहुत डीप स्टडी किया था पिछले मतलब जब नया नया था, और मैंने जो वो वीडियोस बना रहा था, बिकॉज अगर मेरे मन में भी यही था कि मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो पहले मैं खुद सीखना चाहता हूँ कि वो चीज है क्या। तो मैं तो कम्प्लीटली रिलेट कर पाया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज होती है। एंड मैंने भी जैसा कंप्लीट मतलब क्रिप्टो करेंसी के बेसिक से मैंने, बट बीच में मेरा ये बुरा हो गया कि मैंने ना बीच में छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को उस पर एंगेजमेंट नहीं आ रहा था ना। आई वॉज लाइक कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने एक पॉइंट पर आकर सोचा कि इंस्टाग्राम रील्स ट्राई करते हैं, यूट्यूब को ठीक है ट्राई करेंगे बाद में, अभी फिलहाल चल नहीं रहा है। तो उसी तरीके से तब वो पॉइंट था जब मैं क्रिप्टो करेंसी बना रहा था, और बहुत सही चीज है। बट अब मैं ना एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, कि वो ये है कि मैं सीधा सीधा ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं मेरे जैसे से बहुत बंदे होंगे जिनको कुछ नहीं पता। हम मैकेनिकल के बंदे, हमको कुछ नहीं आता, हमको ब्लॉकचेन सिर्फ देखने को सुनने को अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे लोग जो अदर ब्रांचेस के होंगे, या फिर कह लो खुद आईटी के स्टूडेंट्स भी, अगर कोई आईटी का है तो सुन सकता है, ये बहुत इंपैक्टफुल कन्वर्सेशन होगा। मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट बेस्ट बेस्ट सोर्सेस आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि मैं मुझ जैसे और ऐसे स्टूडेंट जो है वो यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा यही सोर्सेस है भाई, यहां से तुम पढ़ लो, मैं वो तो जानना चाहता हूं। इसके लिए अभी देखो, ब्लॉकचेन में ना मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ ये चीज़ को। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो सोर्सेज बहुत कम है। मैं खुद बोलता हूँ कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के सोर्सेज जो है वो बहुत कम है। इसके लिए मैं बोलता था कि फ्रंट एंड पहले सीख लो, कुछ दूसरा फ्रेमवर्क्स, ये सब चीज़ें वैसे तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये चीज़ सीखने मिल जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ से आप कंटेंट ले सकते हो। लेकिन तो भी मैं तीन सोर्सेज बता दूंगा। पहला सोर्स है हम लोग खुद के कंटेंट बनाने वाले, मतलब फुल स्टार्ट टू एंड कोर्सेज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे। और ये चीज़ का कोर्सेज का स्टार्ट हो चुका है, मैंने शायद से आयुष को बताया नहीं अब तक, यस बट ये ब्लॉकचेन एक डेवलप पॉइंट डीसीएस के साथ है क्या? कॉइन डीसीएक्स के साथ अलग से है, वो भी चालू है, बट दैट्स नॉट फॉर डेवलपमेंट। वो क्योंकि ओके ओके आपको डेवलपमेंट के बारे में सीखना है तो स्टूडेंट समाज करके एक कम्युनिटी हमने बनाई है, तो वो टेलीग्राम पे अभी बहुत एक्टिव है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आयुष को भी भेज दूंगा, वो बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में अरे डाल देगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। तो वो कम्युनिटी एक बार ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखने वाले ही हैं। तो आप किसी से भी बात करोगे, आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी भी मिल जाएगी, प्लस आप वहाँ से सीख भी पाओगे। उसका एक खुद का कोर्स भी निकलने वाला है, मतलब बहुत सारे हम लोग कोर्सेज अभी बनाना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी निकलने वाला है। तो वो पहली चीज़ है कि वो कोर्सेज है। दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब बिल्कुल। इतनी बढ़िया चीज़ है, मतलब क्या बताऊँ मैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है ना यूट्यूब से। आयुष मैं बता रहा हूँ, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था। मैं अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा था कि भाई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होता क्या है। ये चीज़ मैंने टर्म भी कब सुना था, जब हम लोग के ये सब हैकेथॉन्स होते थे। अगर हाँ हाँ बिल्कुल हैकेथॉन नहीं पता है तो इट्स बेसिकली लाइक वो एक ऐसे कोडिंग एनवायरनमेंट रहता है कि भाई 12 घंटे में कुछ कोड करके रखना है। अब मैं बीइंग अ डेवलपर, मैं तो भाई मोबाइल एप्स बनाता था, वेबसाइट्स बनाता था, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मैंने सुना था पर बिल्कुल मुझे पता नहीं था। तो अभी मैं ये तो रिलेट कर सकता हूँ कि फॉर अ पर्सन हु हैज़ नेवर कोडेड, पहले कभी कोडिंग की ही नहीं है और उसको डायरेक्टली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना है, तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि सोर्सेज भी इतने सारे हैं बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ से चालू करो, यहाँ तक ख़त्म करोगे, ये 40 घंटे में आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन गए, ऐसे मैं कोर्सेज भी बता नहीं सकता।
तो वो एक चीज़ है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट रोड मैप, और रोड मैप में जितनी भी चीज़ें मैं बोलता हूँ सबका ट्यूटोरियल देखो। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। अभी डॉक्यूमेंटेशन और आर्टिकल्स, ये दोनों चीज़ें एक्चुअली। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, वो लिखावट होती है। मतलब देखो, अभी मैं मुझे पता है बहुत सारे लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, मतलब दिखी चीज़ आपको बताएंगे कि भाई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में ये चीज़ें कोड करनी है, ये ऐप्स को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे करना है, तो फिर ही सीखते हैं। पर ये हैबिट डाल दो पढ़ने की, क्योंकि ब्लॉकचेन में ना ज़्यादा सोर्सेज है नहीं, और वीडियो सोर्सेज तो और कम है। मैं भी बिल्कुल जब चालू किया था, मैंने जब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे चीज़ें डाली थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल्स, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करो, उनके कम्युनिटी में देखो कि वो लोग क्या पोस्ट करते हैं। ट्विटर फॉलो करो, ट्विटर बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। नए नए टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो सबसे पहले ट्विटर पे आ जाता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे फॉलो करो। वहाँ पर देखो कि अच्छा भाई, यहाँ पे Web3 का कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये चीज़ें नई आ रही है, मेटावर्स में ये चीज़ आ रही है, तो बहुत यस सारी नई यस नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी ट्विटर से। तो ट्विटर पहले तो दो टाइप के लोग यूज़ करते, एक ऐसे लोग जो डेवलपमेंट में है जो सीखना चाहते, दूसरा वो पॉलिटिकल लोग या जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल तो थोड़ा ना अपना फोकस चेंज करो, थोड़ा ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो मेरा तो मेन यही है कि ये तीन चीज़ें अगर आप सही से कर दोगे, टाइम यूटिलाइज सही से कर लोगे, सही कंटेंट कंज्यूम कर लोगे, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आराम से सीख जाओगे। और मैं बता रहा हूँ आराम से ना, मतलब आयुष 2 या 3 महीने में आराम से कोई भी सीख सकता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सही अगर में आराम से। और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का ना एक एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, वापस से पॉज हाँ करने बोल रहा हूँ, लेकिन भाई कर लो, क्योंकि ये वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाके सर्च करो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन क्या डेवलपर एवरेज सैलरी, खाली इतना सर्च करो। उससे जो बराबर बढ़िया मोटिवेशन आएगा ना आप लोगों को कि भाई अभी तो करना ही पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी कॉलेज हो उसका एवरेज CTC ले लो, और फिर एवरेज सैलरी ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर सर्च करना, दोनों का कंपैरिजन देखना, फिर बताना कि भाई डिग्री ज़्यादा परस्यू करनी है कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भाई सीखना है। तो ये एक चीज़ है। बहुत सही बहुत सही। और ये जो चीज है ना, ये सही में मैं तो कम्प्लीटली रिलेट कर पाऊँ। बेसिकली मैं तो मैं एक ऐसा पर्सन, मेरे को ना एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ऐसा जुनून रहता है हमेशा। मैं कंपनी भी रन कर रहा हूँ, मीडिया एजेंसी, एंड विद दैट मैं एक एडटेक स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ, और कुछ स्टार्ट और एक और स्टार्टअप है कॉलेज का, उसमें एज अ को फाउंडर भी अभी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो बेसिकली ना मेरे को ये जो चीजें होती है, ये काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मेरा अभी आजकल ऐसा पर्सपेक्टिव हो गया कि अगर ब्लॉकचेन है, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, ब्लॉकचेन में कहीं ना बहुत कम लोग हैं, और स्पेस थोड़ा बड़ा है अगर फ्यूचर के हिसाब से देखो, और लोग थोड़े अभी शुरुआत में कम है। और अगर आप लोग अगर अली के जाकर देखोगे, अगर आप अली को इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, या फिर अगर आप अली के यूट्यूब पे भी जाओगे, तो अंकुर वारिको के साथ आई अभी जस्ट लाइव सेशन किया था, एंड उसमें ना एक मैंने पूरा लाइव सेशन देखा, बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छी चीज, अंकुर वारिको सर है ही ऐसे। तो सबसे बड़ी चीज मेरे को ना, ये एक चीज वहां पर तूने एक मेंशन की थी कि आपके लिए, आपको जो है वो अभी एवरेज जो हाईएस्ट जितना पैकेज है कॉलेज का उससे भी ज्यादा जो है वो अभी मिल रहा है। तो सीधी बात है कि ब्लॉकचेन जो है वो काफी ज्यादा एक ऐसा फील्ड है। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हैकेटॉन में अली गया था, तुम लोग कंटिन्यू देख रहे हो ना, नहीं देखा होगा तो एक बार बताता हूँ। अली जो है वो हैकेटॉन में गया था, और तब उसने डिसाइड किया मेरे को ब्लॉकचेन सीखना है। मेरा क्वेश्चन ये, क्यों ब्लॉकचेन? क्यों ब्लॉकचेन? अभी देखो, मोटिवेशन तो भाई मेरा इससे था कि ब्लॉकचेन है क्या, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ऐसे आती है ना जो मुझे पता नहीं है, और लोग उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप हैकेथॉन में बिल्कुल जाओगे ना तो लोग भाई ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और मैं बहुत क्यूरियस बंदा हूँ, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ दिखती है कि भाई मुझे बराबर पता नहीं है, तो फिर मेरा तो भाई वो हो जाता है कि अभी तो सीखना पड़ेगा ये चीज़। बराबर तो वहाँ से मेरा क्यूरियोसिटी स्पार्क हुआ,
वहाँ से मैंने बोला कि चलो एक बार देखते हैं। और तभी मेरा ऐसा नहीं था कि भाई मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट छोड़ के बस ब्लॉकचेन में ही घुस जाऊँगा फुल टाइम, बराबर ऐसा कुछ सीन नहीं था। वो सीन तब बना जब मैं ब्लॉकचेन सीखने लग गया एंड मुझे ऑफर्स आने लग गई उस पे से, कि क्योंकि मेरे पास वो स्किल बराबर बन गई थी, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की स्किल बराबर बन गई थी, तो उस पे से अभी ऑफर्स आने लग गई क्योंकि स्किल तो बन गई है। और तभी तक मुझे ये नहीं पता था कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स के एवरेज सैलरी क्या होती है। इसके लिए मैंने सबको बोला कि एक बार पॉज करके वो पहले देख लो, मोटिवेशन आ जाएगा। तो वही है, तो वहाँ से फिर ऑफर्स आने लग गई। और ऑफर्स जब आ रही थी तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये इस फील्ड में अगर मैंने करियर बना भी लिया, इवन इफ लेट से मेरा वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, अगर अंकुर वारिकू का आपने तो वीडियो देखा ही रहेगा यस कि वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ऊपर नीचे जा सकता है, मेरा करियर बहुत ऊपर नीचे जाएगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ एक दिन बहुत सारी रहेगी, एक दिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेगी, तो बिल्कुल वो चीज़ के लिए पर मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि समझो जो ऑफर्स अभी आ रही, अगर मैंने वो चीज़ को 1 या 2 साल भी कर लिया और फिर मैं समझ लो 6 7 महीने तक कुछ जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो भी मैं बहुत आराम से मतलब सर्वाइव कर सकता हूँ। नॉट ओनली सर्वाइव बट बी अबव द पीपल हु आर वर्किंग इन लाइक नॉर्मल 9 to 5 जॉब्स जो कर रहे हैं। और इसमें क्या है ना, ये फील्ड बहुत इनोवेटिव है, तो कोई भी बिल्कुल इनोवेटिव फील्ड में जाओगे ना, एआई को भी ले लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली ब्लॉकचेन ही है, एआई को ले लो, मशीन लर्निंग एआई अगर सीख रहे हो, कोई डेटा साइंस कोई सीख रहा है, ये सब फील्ड्स ना इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी पर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिल्कुल सेंस बिल्कुल कि 9 to 5 जॉब्स करना है तो करो, ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ चॉइस, पर आपको अगर समझो वैसे नहीं जमता है, समझो मुझे रात को कोड करने बहुत ज़्यादा जमता है, तो फिर क्या है, ये पॉडकास्ट भी अभी हम लोग 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके बाद हाँ क्या भाई है इसके बाद क्या पीछे वो है अपना दिख रहा है दोनों कंटिन्यूअस लोगों को दिख रहे हैं, को तो इसके बाद क्या है, मैं अपना कोडिंग कर सकता हूँ और मैं बहुत लेट तक जागता हूँ, कोडर सब लोग लेट तक जागते हैं, तो इंजीनियर है भाई सब लेट तक जरूर जागेंगे। मैं भी रोज 3 बजे तक जागता हूँ, घर वाले परेशान है भाई तो क्या है, फिर मैं तभी काम कर सकता हूँ, मुझे जब काम करना है तब काम कर सकता हूँ। उसमें क्या होता है, इनोवेटिव फील्ड्स में ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो एंड टास्क बेस्ड रहता है, इट्स नॉट लाइक टाइमिंग बेस्ड, इट्स मोर टुवर्ड्स टास्क बेस्ड, कि ये टास्क दे दिया ये चीज़ करनी है, समझ लो क्रिप्टो करेंसी बना रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी पूरी बन के चाहिए, इतने टाइम ड्यूरेशन में बन के चाहिए, तो वो पूरा मतलब मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ये फील्ड में, कि मुझे 9 to 5 करना नहीं था एंड यहाँ पर मुझे मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो जी इसके वजह से मैं स्टार्ट बिल्कुल किया था। बहुत सही भाई। इससे डिटेल मेरे को नहीं लग रहा कि YouTube चैनल पे भी बात हुई होंगी ये टॉपिक के ऊपर सही है हाँ मैं डेफिनेटली डेफिनेटली इसका क्लिप निकाल के जरूर डालना अरे अपने श्योर चैनल के ऊपर श्योर बहुत 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 इंपॉर्टेंट था यार। बहुत सही बहुत सही फ्लो जा रहा है गाइस। कमेंट्स करके बताना तुम लोगों को कौन सा पार्ट अभी तक के अच्छा लगा है, जरूर बताना। अब बात करते हैं थोड़ा सा ना ब्लॉकचेन से ऑफ द टॉपिक चलते हैं। तुम लोगों को भी थोड़ा बोर हो रहा होगा, बोल रहे होंगे क्या ये सब टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा तुमको तुम्हारे ऐसा बताते हैं कि जो तुमको भी तुम लोग जल्दी रिलेट कर पाओगे और तुम लोग अभी से शुरू कर सकते हो। बेसिकली मैंने ना ये चीज खुद के लिए तो अप्लाई करके देख ली, मेरे लिए तो इमेंस लेवल पे ये चीज वर्क कर रही है। मुझे काफी सारे ब्रांड्स जो है वो रीच आउट करते हैं, जब बिकॉज मैंने जब यूट्यूब जो है वो शुरू किया था तब मैंने ना मतलब ये एक पर्सनली मैंने जैसे ही यूट्यूब शुरू किया था तो फिर मैं लाइव सेशंस करने लगा था इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने सारे फाउंडर्स को बुला लिया कि आ जाओ यार एज अ गेस्ट आ जाओ, ऐसा ऐसा मतलब बहुत लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ गया और सब लोगों को पता चला मेरे को कि नहीं यार जैसा मैं कंटेंट बनाता हूँ इनको भी कंटेंट की जरूरत है। सबने मेरे को रीच आउट किया, मैंने वहीं से एजेंसी शुरू कर दी। मैं कहा एजेंसी शुरू करते हैं और इसी तरीके से जो है वो मतलब मेरे को पर्सनली पर्सनल ब्रांड ने बहुत हेल्प किया है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड्स के लिए आज ही अगर किसी ने स्टोरी देखा होगा तो मतलब अभी के स्टोरी से मैंने देखा, मैं हमारा प्रोडक्शन शूट चल रहा है, कमर्शियल शूट चल रहा है, मजा आने लग गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज है जिसमें ना मजा आ रहा है। तो ना हाँ अपॉर्चुनिटी की जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं सामने से आने लग गई है, अब जी सामने से जाना नहीं पड़ रहा है।
लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हर दिन सामने से आएगा, जाना पड़ता है ऐसा नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक पॉइंट बेनिफिशियल रहता है कि तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है, तुम लोगों को बताते हो। बट ये तो मतलब मीडिया फील्ड हो गया, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारा मेन टॉपिक ब्लॉकचेन से लेके है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी अभी तक के, तू जैसा कॉइन डीसीएक्स पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, मेरे को भी पूरी स्टोरी नहीं पता, बट भाई कॉइन डीसीएक्स के साथ आई थिंक कुछ भी कर रहा है, पता नहीं है क्या कर रहा है, पता चलेगा थोड़ी देर में। तो बेसिकली मैं ना ये पूछना चाहता हूँ यार अली, की किस तरीके से लाइक पर्सनल ब्रांड ने तेको हेल्प किया है, बिकॉज 12K हो या मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी तक के डेवलप हुआ है, या फिर क्या हेल्पफुल रहा है तेको लाइफ में? तो मैं बोलूँगा, मुझे जितनी भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है शायद ही आती अगर मैंने ये चीज़ें मेरे YouTube चैनल पे डाली नहीं होती। अगर मैंने बिल्कुल किसी को बोला ही नहीं होता कि भाई मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख रहा हूँ या मुझे ये चीज़ें आती है, तो लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, समझो उनको क्रिप्टो करेंसी बनाना है, उनको ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ एप्लीकेशन बनाना है, उसको यूज़ करना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो अभी उनको पता है कि भाई अली बंदा है, ये हमें सब करके दे देगा क्योंकि इसको ये बिल्कुल आता है। पर वो चीज़ उनको पता तो होनी चाहिए कि अली को आता है, वो चीज़ कहाँ से आती है? वो वेरी चीज़ इम्पोर्टेंट। पर्सनल ब्रांड से आती है। एंड नॉट जस्ट मैं ना पर्सनल ब्रांड को सिर्फ ऐसे नहीं देखता कि समझो पर्सनल ब्रांड अगर मैंने बना भी ली तो मैं ऐसे नहीं देखता कि मैं रैंडम ब्रांड्स को अप्रोच करूँगा या ले लूँगा, या समझो अभी मुझे कितने वो आते हैं ये क्या बोलते हैं रमी और वो सब चीज़ें जो गैम्बलिंग अरे वेबसाइट्स, बिल्कुल तो बिल्कुल भर भर के, और वो वाले साइट्स ना अगर कोई भी यूट्यूबर को पूछोगे भी, आयुष भी शायद से बोलेगा आपको कि वो साइट्स आपको पे बहुत ज़्यादा करती है, सब यूट्यूबर्स को पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल करती है, पर हम यस लोग कभी लेते नहीं है, और लेते इसके लिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ें हमारे कंटेंट के साथ में मिक्स नहीं होती, वो हमें ऑडियंस को नहीं बताना है ना, वो हमें पता है कि वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो पर्सनल ब्रांड ना मेरे लिए एक ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू नहीं, ट्रस्ट का फैक्टर है कि बिल्कुल ऑडियंस एक कंटेंट क्रिएटर को कितना ट्रस्ट करती है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, ये यही है अपना पर्सनल ब्रांड मेनली। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल ब्रांड मतलब भाई ट्रस्ट आप गेन कर रहे हो, और सबसे महंगी चीज़ अगर आपको पूरे दुनिया में ख़रीदनी है ना तो इट्स ट्रस्ट। ट्रस्ट आप खरीद ही नहीं सकते किसी बिल्कुल से भी, बिल्कुल ये चीज़ तभी आएगी जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें वैल्यू ऐड कर रहे हो दूसरों की लाइफ में, और वो भी कर रहे हो, वो भी फ्री में कर रहे हो। यूट्यूब पे हम जब कंटेंट डालते हैं तो आयुष को हाँ पूछो एक बार कि भाई इतना टाइम लगता है ये सब कंटेंट बनाने में, अभी हम सही लोग में 12 बजे बैठ रहे हैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे डेडिकेट सही हैं बहुत में डेडिकेशन लगता है, बहुत वो लगता है। एंड जब भी आपके कमेंट्स भी आते हैं ना कि भाई आप सही काम कर रहे हो, आप बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हो हमारी लाइफ में, ये सब जो कमेंट्स आते हैं ना बहुत हेल्प करते हैं हमें, तो वो चीज़ें हमें मोटिवेट भी करती है, प्लस हमारा जो पूरा ट्रस्ट का फैक्टर है, हमारा पूरा पर्सनल ब्रांड है, वो इस पे ही बना हुआ है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अली सर जो है वो भी मतलब सही तरीके से गाइडेंस दे रहा है ब्रो, बहुत सही लग रहा है यार। मतलब जो जो चीज बता रहे हैं ना सही में रिलेट हो पा रही है, और सबको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। तो अगर तुम लोग अभी भी नोट्स नहीं बना रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़े नुकसान कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है भाई। हम तो रिकॉर्डिंग 10-10 बार देख सकते हैं, तुमको यूट्यूब पे आके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी भी नहीं शुरू किया तो कर सकते हो। अब आखिरी 2 क्वेश्चन है अली मेरे पास, और फिर हम लोग इसको एंड करेंगे, ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, एकदम मस्त बनाएंगे। तो मेरा ना लास्ट 2 क्वेश्चन से लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एनएफटीज, मैं सीखना चाहता हूँ ये मूवमेंट पे ही मैं सीखना चाहता हूँ व्हाट इज एनएफटीज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ये क्वेश्चन में ये है कि क्या स्टूडेंट जो होते हैं 18 से लेके, मैं कह लेता हूँ चलो 25 की एज पकड़ लेते हैं, MBA कर लो या फिर बहुत स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने, पहली बात तो एनएफटीज क्या होते हैं, और क्या इन्होंने मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं 18 से 25 की एज में, क्या उन्होंने एनएफटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं दोनों आंसर करता हूँ, पहले मैं बताता हूँ एनएफटीज होते क्या है। तो एनएफटीज इज जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसीज, मतलब देखो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोला कि सॉलिडिटी का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीख लो, वो आप
से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना पाओगे. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कोड बना पाओगे, कोड कर पाओगे ब्लॉकचेन के ऊपर. तो वो जो कोड आप लिख रहे हो, एनएफटी का कोड थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्रिप्टो करेंसी का कोड थोड़ा डिफरेंट रहता है, बस ये कोड के अंदर चेंजेस है. ठीक है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ या डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो बस कोड में चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है. दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा ऐसे क्रिएटिव फील्ड से बताऊँ या थोड़ा आर्टिस्टिक वे से ये चीज़ को अप्रोच करूँ, तो एनएफटी बेसिकली क्या करती है, आपका कोई भी डिजिटल एसेट हो, समझो आपके पास एक फ़ोटो है या आपके पास कुछ कुछ भी डिजिटल एसेट ले लो, आपके पास कोई वीडियो पड़ा हुआ है, आपके पास कोई GIF है, वो सब चीज़ों को आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो. अभी एक मेजर डाउट बहुत लोगों के मन में रहता है कि भाई एनएफटी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी एनएफटी तो मेरी हो गई. ये डाउट बहुत लोगों के उसमें रहता है बराबर कि फिर ये क्योंकि एनएफटी को बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसा बोला है कि इट इज़ यूनिक. नॉन फंजिबल का मतलब ही ये बिल्कुल होता है, नॉन फंजिबल टोकन, उसका मतलब ही ये होता है कि वो यूनिक है. तो भाई फिर यूनिक कैसे रहेगा, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, हमारे फ़ोन में कॉपी आ गया. अभी ये जो यूनिक जो चीज़ है वो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो यूनिक इज़ नॉट दैट इमेज, वो ट्रांजैक्शन है, वो ब्लॉकचेन के पास ट्रांजैक्शन पड़ा हुआ है. वो आप ब्लॉकचेन पे जाके सर्च भी कर सकते हो, ईथर स्कैन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सब ट्रांजैक्शंस देख सकते हो. आप एक बार डेवलपमेंट में आओगे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी. बट बेसिकली मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो वो ट्रांजैक्शन है कि आप ओनर हो वो एनएफटी के, आप ओनर हो वो पीस ऑफ कोड के. अभी समझो आपके पास समझो नाइकी का शूज़ है, तो नाइकी के शूज़ के कितने भी कॉपीज़ बना सकते हैं, और मैं डिट्टो कॉपीज़ भी आपको लाके दे दूंगा, पर क्या वो सेम फील बराबर। रहेगी, क्या वो सेम चीज़ रहेगी कि नहीं भाई नाइकी का शूज़ मेरे पास है, वो तो नहीं रहेगा ना. तो बिल्कुल बिल्कुल यही डिफरेंस है कि भाई आप फेक बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट करके आपके गैलरी में सेव कर सकते हो, पर डिफरेंस ये है ट्रांजैक्शन में शो नहीं होगा, आप सही में उसके ओनर नहीं रहोगे. दैट्स द मेन थिंग. एंड दूसरी एक बात कि एनएफटीज यूज़ किस में होती है, ये भी मुझे एक थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहिए. तो एनएफटीज मेनली ना, अभी आप समझो कोई एक इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, उसमें आपके पासेज होते हैं. तो अभी समझो मैं एक यूट्यूबर बन जाता हूँ, मेरे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, मुझे एक इवेंट होस्ट करना है, कुछ मीटअप होस्ट करना है, पर मुझे चाहिए कि ऐसे ही लोग आए जो बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, या उनको एटलीस्ट प्रायोरिटी मिले, क्योंकि वो लोग भाई इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो उनको फ़ायदा होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनएफटीज बनाता हूँ. मैं बोलता हूँ कि ये एनएफटीज जिसने होल्ड करके रखी है, जिसने बाय करके रखी है मेरी एनएफटीज, वही वो इवेंट में एंटर कर सकता है. तो उस बढ़िया। उसमें एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है. अभी हो भी रही है, अगर आपको गैरी वी पता है तो उसके जो इवेंट्स होते हैं सर्च कर सकते हो. गैरी वी बहुत बड़ा कंटेंट वाह क्रिएटर रे, है. गैरी एंड वी वैसे बहुत भगवान है। बिल्कुल अरे तो क्या, तो गैरी वी भी अभी जो इवेंट्स होस्ट करता है उसके खुद के एनएफटीज है. जो भी वो एनएफटीज होल्ड करता है वो पहले तो एंटर कर सकते हैं, और शायद से उसमें नहीं है या पता नहीं, बट एनएफटीज का दूसरा यूज़ केस ये भी है कि समझ लो किसी को गैरी वी से बात करनी है. अब गैरी वी तो सबके लिए टाइम निकाल नहीं सकता, तो वो सिर्फ उनके लिए टाइम बिल्कुल निकालेगा जो उसके एनएफटीज को बाय करके रखे. तो ये भी एक यूज़ केस है, बहुत सारे यूज़ केसेस है. आप बिल्कुल डीप बिल्कुल डाइव करोगे ना फिनेंस से लेके गेमिंग, गेमिंग में अगर समझो आपके पास कुछ गेमिंग स्किन्स है, आप CS:GO खेलते रहोगे, इंजीनियर्स एवरीवन प्लेज CS:GO अरे खेलता है भाई तू, साथ में भी खेलेंगे 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 पक्का पबजी CS:GO सब खेलते हैं हम लोग. तो ये सब जो खेलते हैं बैटल ग्राउंड्स, इसमें क्या है, कलेक्टेबल्स रहते हैं, स्किन्स रहती है, समझ लो गन्स की स्किन रहती है, कुछ क्लोथिंग एक्सेसरीज बराबर। रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है. ये समझो मैंने मुझे एक रेयर आइटम मिल गई गेमिंग में, अब मुझे ये आयुष को भेजनी है, तो मैं भेज तो दूंगा, या समझ लो उसमें गेमिंग में कुछ कंट्रोल्स रहेगा कि भाई इसको ट्रांसफ़र कर दो, मैं ट्रांसफ़र तो कर दूंगा पर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसमें. लेकिन अगर वही चीज़ एनएफटी होती तो मैं एनएफटी अगर तुझे ट्रांसफ़र करूँगा तू मुझे क्रिप्टो में पेमेंट करेगा,
तो ये देख रहे हो कि बिल्कुल अभी वो बिल्कुल गेमिंग स्किन्स, वो सब गेमिंग के अटायर, वो सब चीज़ें, वो सब अभी मोनेटाइज कर पा रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ एनएफटीज. तो ये सब चीज़ें, और मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं है, ये हो रही है अभी, हो रही है। हो रही है ये सब चीज़ें. तो दूसरी बात, एक मेटावर्स बन रहा है, उसको उसका नाम मैं भूल गया, बट इट्स बेसिकली अ प्लेस विच इज़ लाइक वर्चुअल, पूरा प्लेस बनाया हुआ है वहाँ फेसबुक पे. बना आप रहा है ना। फेसबुक तो बना ही रहा है, दूसरा भी एक बना हुआ है, मतलब देर इज दिस गेम जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो इधर उधर, एंड देख सकते हो हर एक चीज़ों को, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और उनके एनएफटीज देख सकते हो, उनका कलेक्शन देख सकते हो, वो सब चीज़ें देख सकते हो. उनका जो अटायर रहेगा वो भी उन लोग ने एनएफटीज से बाय किया रहेगा वो गेम के अंदर. तो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो एक्चुअली हो रही है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ. एग्जैक्टली. सो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं. अब जो दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए 18 to 25 year olds को. तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो यहाँ पे नहीं दे रहा, फिनेंशियल कोई एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बट कोई भी चीज़, अगर आपने ये चीज़ मुझे पूछी रहती ना कि भाई मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ, 2010 में ही पूछी रहती, ठीक है, मुझे क्रिप्टो के बारे में पता रहता, और आपने मुझे पूछी रहती कि भाई 2010 में भाई इन्वेस्ट करूँ क्या क्रिप्टो में, मैं तभी भी बोलता भाई मार्केट रिस्की है, अपने रिस्क एपेटाइट के बिल्कुल हिसाब रिस्क से एपेटाइट के हिसाब से खेलो। अंदर डालो. इसमें भी वही चीज़ मैं बोलूँगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करो. इसमें रिटर्न्स आपको भाई 1000x तक मिल जाएंगे, मैं 1000% भी नहीं बोल रहा, 1000x तक मिल जाएंगे, बट ओ फिर माय वहाँ पे ही इंटू ज़ीरो भी हो सकता है ना. तो वो रिस्क यस यस रिस्क के साथ अगर आप खेलना चाहते हो, प्लस मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे, अगर कोई डायरेक्टली अभी इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं एक पाथ भी बता देता हूँ, कि इथीरियम ब्लॉकचेन पे अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो उसमें गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो गैस फीस वो सब चीज़ें थोड़ी अलग है, उसमें डीप डाइव नहीं करेंगे. बट बिल्कुल जो बिल्कुल अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में, इथीरियम पे बहुत ज़्यादा गैस फीस है. सोलाना ब्लॉकचेन जो है उसमें गैस फीस बहुत कम है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे से एनएफटीज लेना है तो लो, बहुत अच्छी जगह है. पॉलीगॉन मैटिक, मैटिक का नाम सुना होगा, इंडियन क्रिप्टो या करेंसी है, तो उसका जो ब्लॉकचेन है उस पर भी एनएफटीज आ रही है, उसमें से इन्वेस्ट करना है करो, वहाँ पे भी गैस फीस बहुत कम है. इनफैक्ट मैंने एक पूरा इस पे भी ट्यूटोरियल बनाया है, पर वो थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे, इट्स नॉट अबाउट कि क्या बराबर बराबर एनएफटीज क्या है. मैंने 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 देखा था, मेरे को समझा नहीं, फिर जी 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 मैं कहा ठीक थोड़ा है, मतलब बाद डेवलप में बात जी करेंगे। जी जी या थोड़ा डेवलपमेंट के साइड पे है, कि एनएफटीज स्टार्ट टू एंड कैसे बनाते हैं, कितना पैसा लगता है उसमें. एक्चुअली फ्री में है, मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इट्स फॉर फ्री. एनएफटीज बनाने में ज़्यादा कुछ कॉस्ट नहीं आता है. तो एनएफटीज कैसे बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, एवरी थिंग आई टॉक्ड इन दैट वीडियो, तो चेकआउट करो यार. थोड़ा मुझे भी थोड़े व्यूज ला दो थोड़ा. ये भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बढ़िया। जरूर डेफिनेटली डेफिनेटली भाई। और बेसिकली यार मैं ना लास्ट में जो मैं कह रहा था कि लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे लास्ट दो क्वेश्चन रहेंगे, अब ये अब लास्ट सेकंड रखते हैं, ठीक है। जरूर तो मेरा ना मतलब सब सब स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ये सबके लिए ऐसा रहेगा, अकॉर्डिंग टू यू, लिख लो भाई लिख लो, हाँ संभाल के लिख लो सब। अकॉर्डिंग टू यू टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज, टॉप फाइव जो हाँ क्रिप्टोकरेंसी. टॉप 5 अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कुछ मेरे अलग हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू यू सब लोग। या मैं जो भी चलो क्रिप्टो, तो गाइस ये पार्ट 1 था हमारे वीडियो का, और यहाँ पर पार्ट 1 जब वो खत्म होता है, बट आप कहीं छोड़कर मत जाओ, बिकॉज सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग ये वीडियो को लेके आने वाला है। तो बेसिकली जरूर ये चैनल के साथ जुड़ जाओ, बिकॉज आगे और काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात की है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को यहाँ पर, तो हम लोग पार्ट 1 खत्म कर रहे थे, आप जरूर पार्ट 2 भी देखेगा। तो यस मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब्बा खैर, मिलते हैं।